लखनऊ से युवती को बुलाकर उसे देह व्यापार में धकेलने के मामले में सुपेला थाना पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस ने उतई बाजार चौक से की है, वहीं एक आरोपी को होटल लैंडमार्क से गिरफ्तार किया गया है। बेरोजगार युवतियों को नौकरी का झांसा देकर उन्हें देह व्यापार में धकेलने के मामले में पुलिस ने एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपी अरुण कुमार सिंह ने नौकरी दिलाने के नाम पर एक युवती को लखनऊ से बुलवाया था और भिलाई में पीड़िता को जबरदस्ती देह व्यापार करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। पीड़िता के इनकार करने पर उसे प्रताड़ित भी किया जा रहा था। पीड़िता ने किसी तरह पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से वैशाली नगर थाने का नंबर प्राप्त कर वॉइस कॉल, वॉइस मैसेज एवं व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से सूचना दी, जिसके बाद एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव, एएसपी संजय ध्रुव, सीएसपी नसर सिद्दीकी के मार्गदर्शन में होटल लैंडमार्क में पुलिस द्वारा छापामार कार्रवाई की गई और पीड़िता को रेस्क्यू कर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। इस पूरे मामले की जानकारी भिलाई नगर सीएसपी नसर सिद्दीकी ने दी। इसमें थाना प्रभारी वैशाली नगर वीरेंद्र श्रीवास्तव को सूचना मिली थी कि एक लड़की जो नाबालिग है, उसने कहीं कंट्रोल रूम से नंबर लेकर के इनको कॉल किया था कि हम लोगों को यहाँ पर नौकरी के बहाने बुलाया गया है और होटल में रखा गया है और हम लोगों को देह व्यापार की तरफ मजबूर किया जा रहा है, जिसकी सूचना पर महिला स्टाफ और रात्रि में वहाँ पहुँचे थे, जिनमें से बयान वगैरह कराया गया, लड़कियों को सकुशल उस होटल लैंडमार्क से रेस्क्यू किया गया है और इस पर अपराध आईपीसी की धारा 370, आईटी एक्ट में 67 और पीटा एक्ट 4-5 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। दो आरोपी जिसमें होटल मैनेजर और जो मास्टरमाइंड है अमर सिंह उर्फ अमन, उनको गिरफ्तारी की गई है, जिनको ये वैधानिक कार्रवाई थाना सुपेला से कराई जा रही है। बहरहाल पीड़िता के साहस के कारण देह व्यापार में संलिप्त एक गिरोह का भंडाफोड़ पुलिस द्वारा किया गया। अभी भी शहर में ऐसे कई गिरोह सक्रिय हो सकते हैं जो युवतियों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें देह व्यापार में धकेल रहे हैं। ऐसी घटनाओं को देखते हुए युवतियों को भी सबक लिए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।